सो व्हेन आई वॉज अ बिगनर मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी जब मैं जिम पहुंचता था, देखता था कि अपने से दूसरे लोग जो वर्कआउट लगा रहे थे, कोई पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा था, कोई ब्रो स्क्वाट फॉलो कर रहा था, कोई रोज़ आर्म्स ट्रेन कर रहा था, कोई रोज़ चेस्ट ट्रेन कर रहा था। मेरे को बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता था कि पुश पुल लेग्स क्या होता है, ब्रो स्प्लिट क्या होता है, लेकिन मुझे ये डिफिकल्टी आ रही थी कि मैं अपने लिए क्या चूज़ करूँ। मैं 1.5 साल की जर्नी में बहुत पुश पुल लेग्स भी और ब्रो स्प्लिट भी ट्राई किया है एंड उससे मिलके एक मैंने वर्कआउट बनाना किसी से सीखा है। सो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आपको वो मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट जरूर छोड़ना भाई, कमेंट्स मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आती है। लेट्स स्टार्ट। तो पुश पुल लेग्स और ब्रो स्प्लिट का अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो पुश पुल लेग्स में हम लोग जो वर्कआउट प्लान होता है वो उससे डिजाइन होता है कि जिस टाइप के हम लोग मूवमेंट एक दिन पे कर रहे हैं। लाइक पुश डे पे होता है कि हम लोग वो मसल्स को ट्रेन करते हैं जो वेट को दूर पुश करने में हेल्प करता है, लाइक चेस्ट, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर्स। और पुल डे में भी सेम होता है, इसमें हम लोग वेट को पुल करते हैं एंड उसमें जो मसल ग्रुप्स एक्टिवेटेड रहती है, ट्रेन की जाती है, वो होती है बैक मसल्स एंड बाइसेप्स। और लेग का तो पता ही है, लेग डे पे हम लोग लेग्स को ट्रेन करते हैं। पुश पुल लेग्स मैंने अपने स्टार्टिंग में फैट लॉस जर्नी के स्टार्टिंग में पूरा मतलब 10 से 11 महीने मैंने वही किया था एंड उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता था एज उसमें इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ब्रो स्प्लिट। और उसमें ये रहता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी मसल ट्रेन करने की वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये रहता है कि हम लोग हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर पा रहे हैं। तो उससे एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो सोरनेस वाला माइंडसेट होता है, तो एक मसल ग्रुप अगर हमने जैसे मंडे को पुश लगाया तो हमारा थर्सडे को दोबारा पुश आ जाता है, तो उतने में वो सोरनेस बनी रहती है तुम्हारे माइंड को, लगता है कि हमें या हमें ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ तो ट्रेनिंग किए हैं, जैसे कि दर्द अभी भी बना हुआ है। लेकिन वो एक प्लस पॉइंट भी है उसका कि फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा रहती है। बस एक इसका ये ड्रॉबैक है, इसमें हम लोग उतना अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं, मतलब उतना वॉल्यूम हम लोग हाई नहीं रख सकते, क्योंकि एज अगर आप एग्जांपल लो कि अगर हम लोग पुश डे लगा रहे हैं, ठीक है, और पहली एक्सरसाइज हमने की इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। अब इंक्लाइन चेस्ट प्रेस पे अगर तुम पूरा ऑल आउट जाने की कोशिश करोगे तो आगे आने वाले शोल्डर की एक्सरसाइज इफेक्ट होगी, उसमें तो अपना 100% नहीं दे पाओगे, उसके लिए तुमको रेस्ट पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, और रेस्ट पीरियड बढ़ाओगे तो हमारा वर्कआउट का ड्यूरेशन अच्छा खासा खिंच जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक वर्कआउट प्लान होता है ब्रो स्प्लिट। तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लाइक कि वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते हो, वो उसमें कवर हो जाते हैं, वो उसका एडवांटेज है एक्चुअली। आज था हमारा पुश डे, पुश डे हो गया है। अब फिर से मैं बताता हूँ ब्रो स्प्लिट के बारे में। हाँ, ब्रो स्प्लिट के बारे में तो मैं सुबह PPL के बारे में बताया है। ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि हम एक सिंगल डे पे एक सिंगल मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, लाइक मंडे को हमने चेस्ट, फिर ट्यूजडे को बैक, फिर इस तरह ही, फिर लेग्स, फिर शोल्डर, फिर आर्म्स, फिर आखिरी में एब्स या फिर फुल बॉडी मार लिया। स्प्लिट में आप चाहे तो मतलब 5-6 एक्सरसाइजेस रख सकते हो किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिए और उसको मतलब पूरी इंटेंसिटी और पूरे वॉल्यूम के साथ ट्रेन कर सकते हो। लाइक हर सेट में आप ऑल आउट जा सकते हो क्योंकि आपके पास वो टाइम पीरियड वाला जो फाउंडेशन था वो खत्म हो गया है, एज आपको सिर्फ एक मसल ग्रुप ट्रेन करना है। लाइक चेस्ट पे अगर आप इंक्लाइन प्रेस लगा रहे हो तो उसको आप पूरी इंटेंसिटी के साथ लगा सकते हो कि हाँ मैं पूरे फेलियर तक टच करूंगा, और क्योंकि वो आगे आने वाली एक्सरसाइज में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप इसमें रेस्ट पीरियड थोड़ा हाई रख सकते हो, एज मैंने कहा अभी कि एक मसल ग्रुप ही ट्रेन करना है आपको। तो इसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है कि एक हफ्ते बाद आपको वही मसल ग्रुप दोबारा ट्रेन करने को मिलती है। सो ये मतलब कि थोड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि एक वर्कआउट स्प्लिट में ऐसा होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी 3 to 4 days की होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो रही है तो कोई मतलब कि उतना गेंस नहीं मिलते हम लोग को, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी ब्रो स्प्लिट किया था जब मैं गेनिंग के स्टार्ट पे था, मतलब मेंटेनेंस कैलरीज पे खा रहा था, तब मैंने ब्रो स्प्लिट ट्राई किया था, तो उसमें मतलब उतना रहता है ना कि 2-3 दिन तक सोने से रहेगी, उसके बाद लगता है कि अरे मसल के सारे गेंस चले गए भाई, तो एक हफ्ते बाद ट्रेन कर रहे हैं हम लोग, तो वाली मेंटालिटी आ जाती है। अब जो मैं अभी करेंटली वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, करेंटली द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है एंड मैंने ये नन अदर देन आई एम नॉट सो फिट मतलब यथार्थ भाई से सीखा है। सो उसका नाम है नो ब्रो स्प्लिट। अब
नो ब्रो स्प्लिट में दोनों ही मतलब पुश पुल लेग्स के जो ड्रॉबैक्स है एंड ब्रो स्प्लिट का जो ड्रॉबैक है वो सब इसमें कवर हो जाता है। एज की इसमें वो पुश पुल लेग्स की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी बनी रहती है, ब्रो स्प्लिट का वॉल्यूम भी हम इसमें अचीव कर सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मंडे को हम लोग ट्रेन करते हैं चेस्ट ट्राइसेप्स, ट्यूजडे को ट्रेन करते हैं बैक बाइसेप्स, फिर उसके बाद ट्रेन करते हैं शोल्डर्स ट्रैप्स एंड फोरआर्म्स वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को लेग्स, और इस रूटीन को फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग। जैसे फ्राइडे को फिर से हमारा चेस्ट ट्राइसेप्स आ जाएगा, सैटरडे को फिर से हमारा बैक और बाइसेप्स आ जाएगा, फिर संडे को रेस्ट, फिर मंडे से शोल्डर फिर लेग्स, फिर इससे चलता रहता है। तो इससे ये क्या रहता है कि इससे थ्री टू फोर डेज का हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है कि रेस्ट मिल रहा है मसल पर्टिकुलर मसल को, एंड उसके बाद फिर से हम उसको ट्रेन कर रहे हैं तो वो सोरनेस बनी रहती है। एंड इसमें क्या होता है कि एज मसल ग्रुप्स हम लोग एज कम्पेयर टू पुश पुल लेग्स थोड़ी कम है तो उसमें हम लोग ऑल आउट जा सकते हैं हर सेट में। तो इसका अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा मतलब कि मैं चेस्ट डे पे कौन से मंडे को कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करता हूँ, चेस्ट डे कह रहा हूँ ब्रो स्प्लिट वाला, तो मंडे को कौन सी एक्सरसाइजेस करता हूँ फिर ट्यूजडे कौन सी करता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि मेरा क्या रूटीन है। जैसे भी आपने आई एम नॉट फिट के चैनल पर देखा होगा, आई एम नॉट सो फिट के चैनल पर देखा होगा कि वो क्या करते हैं, मेरा थोड़ा सा ट्वीक रहता है उसमें, मेरा ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा सा उनसे अलग है, लेकिन हाँ पर्टिकुलरली मैं कुछ 70-60% वही एक्सरसाइजेस में करता हूँ, और कुछ मैंने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस ऐड किए हैं एंड इंटेंसिटी ऐड की है। सो यस, यही था द बेस्ट वर्कआउट स्प्रेड आउट देयर, एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक मतलब लेग डे का डाला है, शोल्डर डे का डाला है, तो अगर उसका मतलब कुछ आपको दिक्कत हो रही हो कि समझने में तो मैं उससे तुम देख सकते हो कि मैं असल में नो ब्रो स्प्रेड में करता कैसे हूँ एक्सरसाइजेस, वो दिख रहा होगा यहाँ पे, उन दोनों को देख लेना। फॉर द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड कीप ग्राइंडिंग कीप पुशिंग, बाय बाय।